हेलो दोस्तों, बर्ज़ेगॉप ग्लटनी के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्ज़ेगॉप ग्लटनी एपिसोड नंबर 4 के बारे में। फेट यहाँ पर हमेशा की तरह मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन उसने अभी एक मास्क पहना हुआ था जिसकी मदद से लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है फेट लेडी रॉक्सी के साथ कहीं पर जा रहा है। जाते जाते यहाँ पर फेट किसी के बारे में सोच रहा था। रॉक्सी तभी बोलती है, क्या हुआ फेट, क्या तुम हार्ट स्टेट में नहीं आना चाहते थे? फेट तभी बोलता है, नहीं ये बात नहीं है। रॉक्सी पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो फेट? फेट इसके बाद बोलता है, हम लोग वहाँ पर अंगूर तोड़ने वाले हैं, है ना, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रॉक्सी बोलती है, मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे फैमिली ने विलेजर्स के साथ मिलकर इस खेत को अपने हाथों से सजाया है। ये हार्ट फैमिली की गर्व है, लेकिन हमेशा हमारे सक्सेस के टाइम एक बहुत ही बड़ा मुश्किल आता है। हार्वेस्ट सीजन के टाइम कोबोल्स नाम के मॉन्स्टर हमारे फसल के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसलिए मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ खेत को उन मॉन्स्टर से बचाने के लिए। फिर तभी पूछता है, सब कुछ ठीक तो होगा ना? रॉक्सी बोलती है, भूलो मत मैं एक होली नाइट हूँ और कोबोल्ट्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर तभी सोचता है, मैंने बहुत दिन से अपने ग्लटनी स्किल को गॉबलिन के अलावा और कुछ फेड नहीं किया है और मेरा हंगर भी और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद फाइनली जाकर वो लोग हार्ट एस्टेट पे पहुंच जाते हैं। रॉक्सी की मदर यहाँ पर उन दोनों को ग्रीट करते हैं। रॉक्सी की मदर काफी ज्यादा बीमार दिख रही थी। रॉक्सी की मदर तभी पूछती है, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? रॉक्सी बोलती है, ये मेरा न्यू सर्वेंट है, मैंने हाल ही फिलहाल में इसको हायर किया है। इसके बाद फेट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। रॉक्सी की मॉम बोलती है, मेरा नाम आयशा हार्ट है, आने के लिए शुक्रिया, तो क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो? इसको सुनकर फेट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। रॉक्सी भी उसके साथ साथ काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। रॉक्सी बोलती है, मॉम आप फेट से ये सब क्यों पूछ रही है? रॉक्सी की मॉम बोलती है, मैंने उसको पूछा कि वो एज एन एम्प्लॉय तुम्हें पसंद करता है या फिर नहीं। फेट तभी सोचता है, अच्छा तो ये बात थी। इसके बाद फेट भी बोलता है, मैं लेडी रॉक्सी का सम्मान करता हूँ और मैं मरते दम तक लेडी रॉक्सी को सर्व करूंगा। इसको सुनकर रॉक्सी और भी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है और अपने एम्बेरेसमेंट को हैंडल ना कर पाने की वजह से वो अपने कमरे में चली जाती है। फेट तभी सोचता है, लेडी रॉक्सी को क्या हो गया, क्या मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? इसके बाद रॉक्सी की मदर फेट से रॉक्सी के लाइफ के बारे में पूछती है। फेट बोलता है, लेडी रॉक्सी एक होली नाइट है, बहुत सारे लोग लेडी रॉक्सी को ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने फैमिली हेड होने के नाते अपना कर्तव्य को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। इसको सुनकर यहाँ पर रॉक्सी की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रॉक्सी की मदर बोलती है, लगता है मेरी छोटी बेटी अभी बड़ी हो चुकी है, अभी भी मुझे याद है जब वो छोटी थी तब वो छोटे छोटे बातों में रोती रहती थी। इन सब के बारे में बात करते करते रॉक्सी की मदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक जाती है, लेकिन तभी उनका मेड आकर उनको संभाल लेता है। इसके बाद फेट अपने बचे हुए फ्री टाइम में आसपास घूमने लगता है। उसको देखता है जमीन पे एक बुरा आदमी काम कर रहा है, तो फेट उनका मदद करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। कुछ देर काम करने के बाद वो बुरा आदमी फेट को एक ड्रिंक लाकर देता है। वो बुरा आदमी बोलता है, मास्टर हार्ट ने हमारे काम में बहुत ही ज्यादा मदद की थी जिसके वजह से आज हम लोग इतना ज्यादा सफल है। फेट बोलता है, मैंने सुना कि मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। वो बुरा आदमी बोलता है, ओ तुम्हारा मतलब वो कॉबलोट्स, वो लोग हर साल इसी टाइम पे यहाँ पर आते हैं और हर बार लेडी रॉक्सी हमारी मदद करने के लिए आती है, और अभी क्योंकि लेडी रॉक्सी का फादर हाल ही फिलहाल में गुजर गए हैं, ये टाइम उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर तभी बोलता है, लेडी रॉक्सी का दिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो आप लोगों की मदद करने के लिए जरूर है। इसके बाद फेट उस बुरे आदमी को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वो रास्ते पे एक लड़की को देखता है। उस लड़की के सफेद लंबे बाल थे, उसी के साथ साथ उसके हाथ में व्हाइट टैटूज बने हुए थे। वो दोनों अपने अपने रास्ते में जा रही थी, तभी वो लड़की बोलती है, हे सुनो। फेट देखता है उस लड़की की आंखें भी बिल्कुल उसी की तरह लाल है। फेट उस लड़की की आंखों में घूरते जाता है। लड़की बोलती है, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लगता है मैंने थोड़ा जल्दी कर दी। फेट को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है वो लड़की किसके बारे में बात कर रही थी। इसके बाद वो लड़की बोलती है, मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर कॉबलोट्स को देखा, लेकिन मैं उन लोगों को तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, फिर से मुलाकात होगी। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी इसके बाद लेडी रॉक्सी वहाँ पर आती है। लेडी रॉक्सी उस लड़की को देखकर बोलती है, ओ वो तो एक गैलियन है। गैलिया पहले मिलिट्री का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन मॉन्स्टर के सडन अटैक की वजह से गैलियन का जाति लगभग विलुप्त हो गई थी। क्या तुम उसको जानते हो फेट? फेट बोलता है, नहीं मैं उसको नहीं जानता, उसने सिर्फ मुझसे कुछ बातें की और इसके बाद वो चली गई। इसके बाद फेट पूछता है, वैसे लेडी रॉक्सी आप यहाँ पर क्या कर रही है? रॉक्सी बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ, डिनर तैयार हो चुका है। फेट यहाँ पर जाते जाते अपने सूट को उसके आंखों के बारे में पूछता है। फेट का सूट इसके बाद बोलता है, उस लड़की ने तुम्हें बोला ना कि वो तुम्हारे साथ फिर से मिलेगी, तब तक के लिए इसके बारे में भूल जाओ, अभी हमारे सामने कॉबलोट्स है।
उसके लिए हमें तैयारी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग को देखने को मिलता है लेडी रॉक्सी गांव में घूमने निकलते हैं, जहां पर रॉक्सी विलेजर्स के साथ भी मिलती है। वो विलेजर्स के साथ काफी ज्यादा खुश दिख रही थी, जिसको देखकर फेट सोचता है आखिरकार मैं कितने देर तक ऐसे लेडी रॉक्सी के साथ रह पाऊंगा, आखिरकार कब तक मैं ऐसे पीसफुली रह पाऊंगा जबकि मेरे पास ग्लटनी स्किल है। इसके बाद फेट कॉबलर्स के ऊपर हमला करने के लिए अकेले चला जाता है। कुछ ही दूरी पे जाने के बाद यहाँ पर फेट देखता है कॉबलर्स की आर्मी यहाँ पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे। फेट देखता है वहाँ पर लगभग 50 कॉबलर्स मौजूद है और उनमें से फेट ने 4 बड़े बड़े कॉबलर्स को भी देखा है। इसके बाद वहाँ पर कॉबलर्ट का बॉस अपीयर होता है। फेट का सोर्ड भी बोलता है ये कॉबलर्ट ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका नेम क्राउन बीस्ट है, ये अकेले एक होली नाइट हैंडल नहीं कर सकती। फेट अगर तुमने इसका अभी कुछ नहीं किया तो बाद में जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर तभी अपने आप के स्टैट्स के ऊपर देखता है, वो देखता है उसका स्टैट्स इस मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। फिर सोचता है मैं अभी अपनी इस हालत में इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, लेकिन मैंने अगर कोई रास्ता नहीं ढूंढ के निकाला तो लेडी रॉक्सी और बाकी लोग नहीं, मैं लेडी रॉक्सी को मरते हुए नहीं देख सकता, चलो इसको करके दिखाते हैं। इसके बाद फेट उस मॉन्स्टर को स्लेय करने के लिए तैयार हो जाता है। फेट का सोर्ड पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। फेट फेट बोलता है तुम तो जानते हो मेरे हमेशा के स्किल, मैं अपने ग्लटनी स्किल के साथ फाइट करूंगा। इसके बाद फेट फाइट करना शुरू कर देता है और अपने तलवार का नया फॉर्म को वो यहाँ पर यूज करता है। फेट यहाँ पर एक एक करके सारे मॉन्स्टर के ऊपर तीर फेंक रहा था और पलक झपकते ही फेट बहुत सारे मॉन्स्टर को नॉकआउट कर देता है। फेट यहीं पर ही नहीं रुकता, फेट लगातार मॉन्स्टर को मारते जाता है और उसका ग्लटनी स्किल एक्टिव होते जाता है। फेट ने अभी तक 35 कॉबलोट्स 2 कॉबलोट वॉरियर और 1 हाउल को मारा था। फेट बोलता है इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, अगर मैं बचे हुए बाकी 2 कॉबलोट वॉरियर को मार पाऊँ तो मेरे स्टैट्स क्राउन बीस्ट के बराबर हो जाएगा और इसके बाद मैं उसके साथ अच्छी तरीके से फाइट कर पाऊंगा। फेट इसके बाद लगातार कॉबलोट्स को मारते जाता है और जब सिर्फ 1 कॉबलोट वॉरियर बचा हुआ था तभी अचानक से क्राउन बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्राउन बीस्ट का अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट था और फेट को इसका जोर का झटका भी लगता है। तभी कॉबलेट वॉरियर और मौका देखकर फेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसका कहानी बहुत ही इजीली खत्म कर देता है। और इसके बाद फाइनली बारी थी क्राउन बीस्ट का। वो क्राउन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर फेट को उसका एक भी हिट लग जाता तो फेट का काम वहीं पर ही खत्म हो जाता। फेट का सोर्ड तभी बोलता है मैं इसको अपने सीक्रेट टेक्निक से एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ, बस तुम्हें अपने स्टैट्स को मुझे देना होगा। फेट तभी बोलता है तुम हमेशा की तरह ग्रीडी हो, ठीक है ले लो मेरे सारे स्टैट्स को। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है फेट का वो एक नए रूप पे ट्रांसफॉर्म होता है और इसके बाद फेट एक बहुत ही जोर का अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर जब इस अटैक को लॉन्च करता है इस अटैक की वजह से आसपास के सारे पेड़ पौधे भी बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं। फेट इसके बाद बोलता है वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके बाद फेट का ग्लटनी स्किल एक बार फिर से एक्टिव होता है, लेकिन तभी अचानक से फेट का गला दर्द करने लगता है। फेट यहाँ पर दर्द से चिल्लाने लगता है। फेट को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। फेट सोचता है अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये ग्लटनी है। फेट का सोर्ड बोलता है अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखो फेट, नहीं तो तुम भूख से मर जाओगे, इसको जल्द से जल्द सप्रेस करो फेट। लेकिन इसके बाद भी फेट इस दर्द से बहुत देर तक चिल्लाते रहता है। एट दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।